सिद्धार्थ शुक्ला ने जब से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से सिद्धार्थ शुक्ला का कोई भी करीबी रिश्तेदार जनता के सामने नहीं आया, ना ही कभी सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने किसी करीबी रिश्तेदारों की कहीं चर्चा की थी। यहां तक कि सिद्धार्थ शुक्ला के बायो में भी सिर्फ सिद्धार्थ की माँ और उनकी दोनों बहनों का जिक्र है। सिद्धार्थ का कोई चाचा भी था इस बात का कहीं नाम भी नहीं है। पर अब एक शख्स है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला का चाचा बन सिद्धार्थ के घर पर रोज हंगामे कर रहा है। जी हाँ सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 3 महीने के बाद ये शख्स जनता के सामने आया। सिद्धार्थ के परिवार के घर के सामने लगातार 2-3 दिनों से ये हंगामेबाजी कर रहा है। ये रोज ड्रिंक करके आता है और रोज सिद्धार्थ के घर के बाहर खड़ा होकर गंदी गंदी गालियां देता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मीडिया रिपोर्टर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। हालांकि रीता माँ ने अब तक इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं की है और ना ही इन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। सिद्धार्थ शुक्ला के पड़ोसियों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये शख्स लगातार अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला का चाचा बता रहा है। आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये सिर्फ अपने आप को सिद्धार्थ का चाचा ही नहीं बता रहा बल्कि सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी में अपना हक भी बता रहा है। दोस्तों, क्या सचमुच ये शख्स सिद्धार्थ शुक्ला का चाचा है? अगर ये सचमुच चाचा है तो क्या इस तरीके की हरकत इसे शोभा देती है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार ये शख्स सिद्धार्थ की मां को गाली देता हुआ भी नजर आया और साथ ही इस शख्स ने ये भी कहा कि हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गायब करने वाली शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ हो, क्योंकि इस शख्स के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला के पिता के इस दुनिया से चले जाने की वजह भी रीता माँ ही थी, ऐसा एक शख्स का कहना है। दोस्तों, जब तक इस परिवार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए या नहीं? कॉमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। पूरा हर एक नाम चर्चा का विषय बना रहता था, चाहे वो शहनाज कौरगी का नाम हो, रश्मि देसाई का नाम हो या फिर खुद सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के लोगों का नाम हो। हमेशा से ही सिद्धार्थ से जुड़ा हर एक शख्स चर्चा का विषय बना रहता था। सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को लोग नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। पर इसी बीच एक ऐसा शख्स है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से ही है और उस शख्स ने जिस तरीके की अपडेट सोशल मीडिया पर दी है उसे देखकर कहीं ना कहीं फैंस के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ के परिवार का शख्स कोई ऐसी बात कर सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के नौकरानी की। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद इस नौकरानी को अपने घर में काम दिया था। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की मां मेड पर भरोसा नहीं रखती हैं, वो अपने घर का कामकाज खुद ही करना पसंद करती हैं। ऐसे में मां की सेहत को देखते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने इस लेडी को अपने घर में काम दिया था। सिद्धार्थ के घर में ये लेडी 6 सालों से काम कर रही है और अब इस लेडी के कुछ बच्चों ने मिलकर इसकी एक वीडियो बनाई जिसमें ये सिद्धार्थ के परिवार की बदनामी करती हुई नजर आई। जी हाँ दोस्तों, ये सिद्धार्थ के परिवार का हर एक राज जनता के सामने रखती हुई नजर आई और दुख की बात यह है कि इस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया। हालांकि सिद्धार्थ के परिवार के कहने पर इसके बच्चों ने ये वीडियो डिलीट तो कर दी, पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के परिवार को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि इस औरत ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की सारी सच्चाई जनता के सामने रख दी है। सिद्धार्थ की अस्थियों को अभी तक विसर्जित नहीं किया गया है, इस बात का खुलासा भी इस नौकरानी ने कर दिया है। दोस्तों, आखिर सिद्धार्थ की अस्थियों को विसर्जित क्यों नहीं किया गया है ये तो या तो परिवार जानता है या फिर सिद्धार्थ शुक्ला के घर का पंडित। पर हम इतना जरूर कहेंगे कि घर के सीक्रेट्स बातों को इस नौकरानी को जनता के सामने नहीं रखना चाहिए था। आपके हिसाब से इस नौकरानी के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गया है तब से ही लगातार हर किसी की नजरें सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार पर टिकी हुई हैं। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर परिवार सिद्धार्थ शुक्ला के बिना किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टर्स के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है कि अब सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला के नशीली चीजें
सेवन करने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एनसीबी समीर वाखंडे ने अब हर चीज छोड़कर मुंबई को नशा मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों समीर वाखंडे ने 49 सेलिब्रिटीज के नाम कलेक्ट किए हैं, जिनमें सिद्धार्थ शुक्ला का भी नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये उन 49 सेलिब्रिटीज का नाम है जो कि नशीली चीजों का सेवन करते थे या फिर उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन नशीली चीजें बेचने वाले गिरोह से जुड़ रहा है। जी दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला नशीली चीजों का सेवन करते हैं, इस बात का खुलासा खुद रश्मि देसाई ने किया था। इस वक्त रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 15 में हैं और अब समीर वाखंडे ने कुछ सबूतों के आधार पर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को एनसीबी अपने दफ्तर बुला रही है पूछताछ करने के लिए। इस वक्त शहनाज कौरगिल अपने शूटिंग को लेकर व्यस्त है। रीता माँ लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनके परिवार को विवादों से बचा सके, पर कहीं ना कहीं से अब सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार एक बार फिर से विवादों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। समीर वाखंडे ने समन भेज दिया है सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को, जिसका खुलासा सिद्धार्थ शुक्ला के जीजा ने कर दिया है। दोस्तों अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार इन सब चीजों से कैसे छुटकारा पा सकता है, क्योंकि समीर वाखंडे ने अभी तक जिन लोगों को भी समन भेजा है उनके परिवार में से किसी न किसी को गिरफ्तार जरूर ही किया गया है, क्योंकि नशीली चीजें आखिर कहां से आती थी, कहां जाती थी, किस तरीके से वो लोग ऑर्डर किया करते थे, हर चीज की छानबीन जो है वो समीर वाखंडे कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने किसी भारतीय से नहीं बल्कि एक दूसरे देश के व्यक्ति से शादी की है, लेकिन आज भी वो बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इन एक्ट्रेस की सूची में प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा और भी बहुत सारी एक्ट्रेस शामिल हैं जिन्होंने किसी और देश के लड़के से शादी की है। आज हम आपको हमारे इस वीडियो के जरिए आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिनका नाम प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है जिसने अपने पूरे कई सारे सुपर डुपर हिट फिल्में दी है। प्रियंका के बारे में बताए तो वो बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जॉन्स के संग अपना खुद का एक पर्सनल राज शेयर किया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने और अपने पति का एक बेडरूम का सीक्रेट बताया है। जब ये सीक्रेट सामने आया तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की ही बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी अतरंगी जोड़ियां हैं जो हमेशा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ऐसी ही जोड़ी प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियंका ने निक से लव मैरिज की है। प्रियंका और निक के रिश्ते के बारे में बताएं तो दोनों ही 2018 के दिसंबर में शादी कर चुके थे। जब से दोनों की शादी हुई है लोग इनकी काफी चर्चा करते हैं। निक जॉन्स और प्रियंका चोपड़ा की उम्र में काफी ज्यादा अंतर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निक जॉन्स और प्रियंका से लगभग 10 साल छोटे हैं, लेकिन आज भी प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स को साथ देखा जाता है तो दोनों को काफी पसंद भी किया जाता है। हाल ही में प्रियंका ने अपने पति का बेडरूम राज बताया है जिसके चलते वर्तमान समय में वो काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। प्रियंका और निक की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने और निक के बारे में बताया कि निक उन्हें रात भर सोने नहीं देते थे जिसके चलते वो लगभग पूरी रात नहीं सो पाती थी। प्रियंका चोपड़ा ने इसकी वजह बताई कि निक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है क्योंकि उन्हें डायबिटीज है जिसके चलते उन्हें निक का ध्यान रखने के लिए बार बार उठना पड़ता है। प्रियंका और उनके पति निक जॉन्स का ये बेडरूम सीक्रेट इस समय लगभग सभी लोगों को पता है। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की जोड़ी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको प्रियंका और निक की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सिर्फ एक ही ड्रीम गर्ल है और वो है हेमा मालिनी। 60 से 90 के दशक तक अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली हेमा मालिनी कई बार विवादों का शिकार भी हो चुकी हैं, पर इस बार हेमा मालिनी को लेकर जनता खूब प्रे कर रही है क्योंकि हेमा मालिनी इस वक्त एक ऐसे संकट की घड़ी में पड़ चुकी हैं जहां से हेमा मालिनी के निकल
के लिए निकलना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हेमा मालिनी को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसी अपडेट आ रही है जिसको जानकर यकीनन ही आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के जरिए एक खबर के तौर पर निकल के आ रही है जिसको लेकर फैंस इसे सीरियसली मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हेमा मालिनी इस वक्त जिंदगी के लिए जंग लड़ रही हैं, जिसका खुलासा नानावती हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वार्ड बॉय ने महज 2 मिनट की एक वीडियो बनाई और उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसने हेमा मालिनी के साथ पहले एक फोटो क्लिक कर रखी थी, उसी फोटो को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपलोड करते हुए कहा कि हेमा मालिनी की इस वक्त हालत बेहद ज्यादा गंभीर है और वो इस वक्त काफी बीमार हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हेमा मालिनी के लिए दुआ कीजिए। हेमा मालिनी के फैंस आज भी करोड़ों में हैं, ऐसे में इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर किया गया। फैंस को लगा कि ये बात सच है, पर ये बात महज पॉपुलैरिटी पाने के लिए एक अफवाह के जरिए फैलाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त हेमा मालिनी के मैनेजर के द्वारा इस बात की अपडेट सोशल मीडिया के जरिए दे दी गई है कि हेमा मालिनी इस वक्त तंदुरुस्त हैं, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त अपनी अपकमिंग मूवी के बिजी शेड्यूल से हेमा मालिनी वक्त निकाल कर भी ट्वीट करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस तरीके की अपडेट दी है वो कहीं ना कहीं मेरे फैंस रहे होंगे, मेरे नाम का इस्तेमाल करके वो पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहूंगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि हेमा मालिनी अगर चाहती